तो भाई एक बार इसके एग्जॉस्ट साउंड सुनो, कमांडिंग पोजीशन है, काफी ऊंची ऊंची फील होती है अगर आप क्रेटा से कंपेयर करो। कोई सोचते हैं कि ये क्रेटा का भाई एक रीबैच वर्जन है, बस क्रेटा को थोड़ी पीछे से खींच के ना इसको लंबा कर दिया है, ऐसा नहीं है यार। एल्काज़ार बिल्कुल ये एक अलग प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, आपको ये ऊंची भी फील होगी क्रेटा से, अंदर से प्रीमियम ज्यादा लगेगी क्रेटा से, हर चीज क्रेटा से ज्यादा है। तो भाई एक बार मारते पंजा इसकी, शॉर्ट भी अच्छी। ओ भाई क्यों खींचती है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखो, जैसे कि मैं लेफ्ट राइट घुमा रहा हूँ कितनी बढ़िया स्टेबिलिटी है इसकी, मेरा कट मारा भी लेफ्ट में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों को थंबनेल और टाइटल में से देख लिया होगा, आज हमारी साथ है भाई एल्काज़ार, और एल्काज़ार की हम ड्राइव लेने वाले हैं। तो ये एल्काज़ार का पेट्रोल वाला वेरिएंट है 1.5 टर्बो, जो प्रोड्यूस कर देता है अपनी 160 bhp और 250 nm का टॉर्क। तो भाई ये डीजल वाला वेरिएंट नहीं है, पेट्रोल है। तो इस पेट्रोल वाले इंजन में अभी हुंडई ने नया ही लॉन्च करा है, तो इसमें जैसे स्टार्टिंग में वरना में आया था, फिर क्रेटा वगैरह, फिर एल्काज़ार में भी दे दिया था इन लोगों ने बीच में, अब इन लोगों ने फेसलिफ्ट में वही इंजन दिया है। तो हम बेसिकली इसका आप डालते हैं डी, और डी डालने के बाद भाई इसको चला कर देखते हैं कि भाई गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो नई गाड़ी, जैसे आप देख रहे हो भाई इसमें जो वाइट सी है ना, ब्लैक पे जो लगा देते हैं ताकि कलर गंदा होना कुछ ना हो, तो वो चढ़ा रखी है ताकि भाई वो सेफ रहे कलर, इस वजह से। तो आज हम इसके बारे में भाई ड्राइव रिव्यू प्रॉपर आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि भाई अभी एल्काज़ार नई आई है, तो अभी तो शायद ही है लोगों पे एल्काज़ार की ड्राइव वगैरह की। तो हम देखते हैं भाई इसकी ड्राइव रिव्यू में क्या खास है और क्या नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाते हैं, थोड़ा इसको सेगमेंट से भी कंपेयर करेंगे, जैसे XUV 700 सफारी वगैरह, और जो भाई किया की में भी आती है अपनी कैरेंस वगैरह, सबसे कंपेयर करेंगे और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसके पहले इंटीरियर से। तो इंटीरियर आप देख रहे होगे कि भाई इसका बहुत अच्छा है, काफी प्रीमियम कर दिया गया है, एक थोड़ा ना ब्राउन ही लाइट ब्राउन वाला इसका इंटीरियर है, पहले आता था इसमें डार्क ब्राउन, वो भी अच्छा लगता था, लेकिन इन लोगों ने इस बार जो लाइट ब्राउन दिया ना वो काफी अच्छा है। और एडास की वार्निंग आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएंगे, और हुंडई के कैमरा भाई इतने बढ़िया होते हैं, मेरे को पर्सनली काफी बढ़िया लग रहा है हुंडई का कैमरा। तो आप देख रहे होंगे ये जो इसकी मीडिया स्क्रीन है काफी स्मूथ है यार, मतलब 660 हर्ट्ज की है, पता नहीं पड़ता, नॉर्मल जो दूसरी कंपनी देती है ना वो बहुत लैगी होती है, लेकिन ये इतनी लैगी नहीं है, मुझे तो भाई काफी अच्छी लग रही है इनकी स्क्रीन। तो इसका एक बार मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा थोड़ी सी कि भाई इसमें एक बार पंजा मारती कितना आते हैं, और एक बार प्रॉपर आपको बता दूं इसमें आते हैं भाई ड्राइव मोड 3, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। अभी ये कौन से मोड में चल रही है वो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि भाई ये कंपनी की अभी वो गाड़ी है ना, जैसे कि होती है स्टॉक यार्ड की किसी की होगी, लेकिन टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी नहीं है, तो इसका मीटर बंद है, तो मीटर भाई आपको पता ही है मीटर कैसा होगा, मैं आपको डिस्प्ले में शो कर दूंगा मीटर इसका ऐसा है। तो इसमें भाई अपने कंट्रोल्स आ जाते हैं अपने मीडिया के, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, तो सारे कंट्रोल आपके हाथ में ही है, तो आपको ड्राइविंग में काफी आसानी होती है। अब हल्का सा भाई हिल अप आ रहा है, तो मैं हिल डाउन पे एक बार पंजा मारूंगा, तो एक बार हल्की सी देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है, ज्यादा रैव नहीं करूंगा क्योंकि भाई नई गाड़ी है आप लोगों को पता है, और जिस दिन टेस्ट ड्राइव आएगी उसको आपको रैव करके बढ़िया तरीके से वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो भाई एक बार मारते पंजा इसकी, 160 bhp। ओ भाई क्यों खींचती है भाई साहब, इतना तगड़ा पुशबैक आ रहा है, मतलब पीछे सीट से चिपक जाओगे ऐसा पुशबैक है इसमें यार, मजाक से हट के भाई इतना तगड़ा आ रहा है, मुझे तो भाई फील हो रहा है एक नंबर फील हो रहा है इसके अंदर पुशबैक। तो आप लोग भी चलाना, आप लोगों को पता पड़ेगा कि जिसने 1.5 चलाई है तो उसको फील हो रहा होगा। और भाई जो इसके POV ने जो कमांडिंग पोजीशन है काफी ऊंची ऊंची फील होती है अगर आप क्रेटा से कंपेयर करो। कोई सोचते हैं कि ये क्रेटा का भाई एक रीबैच वर्जन है, बस क्रेटा को थोड़ी पीछे से खींच के ना इसको लंबा कर दिया है, ऐसा नहीं है यार। एल्काज़ार बिल्कुल ये एक अलग प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, आपको ये ऊंची भी फील होगी क्रेटा से, अंदर से प्रीमियम ज्यादा लगेगी क्रेटा से, हर चीज क्रेटा से ज्यादा है। और मैं कंपेयर करूँ इसको 700 से, भाई XUV 700 के आसपास की प्राइसिंग की आती है ये, लेकिन उसके अंदर 2.2 लीटर का भाई जो पेट्रोल इंजन है वो भाई 200 bhp निकालता है, तो वो काफी अच्छा हो जाता है। तो ठीक है, तो मुझे तो भाई उसकी ज्यादा पावर लगी, लेकिन इसमें थोड़ी कम है, ये एवरेज कम देगी लेकिन वो 700 और भी कम देती है। लेकिन इसकी खास बात क्या बताऊं, हुंडई की इसका जो डीजल इंजन है वो भाई जो पावर निकालता है ना, और जो उसकी माइलेज है वो भाई एक नंबर है। अगर आपको जिसको अच्छी माइलेज चाहिए, जिसको टूर कर रहे हैं, वो उस पर भी जा सकता है, और इसके अंदर इतने सारे फीचर मिलते हैं आप भाई यूज कर पाओगे। और मैं पंजा मारता हूँ भाई, क्या खींचती है भाई, एक नंबर खींचती है। और जो हुंडई की फिनिशिंग जो होती है ना, वो तो आपको बताइए टॉप नॉच होती है। हुंडई अपना जो इंटीरियर है ना ऐसा बनाता है, अगर आप भाई 50 या 60 lakh की गाड़ी में देखोगे ना, वो आपको इंटीरियर वाली फील इसमें मिलेगी। जो आप 20 lakh के, जो आपको 20 lakh पैसा दोगे ना, हुंडई उसमें आपको वो वाली 50-60 lakh वाली फील दे देता है। तो मुझे तो हुंडई की काफी बात अच्छी लगती है, और जो भाई इसे कमांडिंग पोजीशन मुझे एक नंबर लग रही है। मैं भाई गाड़ी के बैठा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कौन सी महंगी गाड़ी है भाई, ऐसा फील नहीं हो रहा था तेरे को, बहुत
मतलब प्रीमियम है भाई गाड़ी, काफी ज्यादा अच्छी बना रखी है। और वही तो, अगर आप फैमिली के टाइप की गाड़ी ढूंढ रहे हो ना बहुत बढ़िया कि आपको हाँ फैमिली के टूर जाना है कुछ भी करना है, तो ये एक नंबर गाड़ी है। पीछे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, देख लो आप एक बार, पीछे बच्चों के लिए चाइल्ड सीट भी है, और पीछे आप मतलब की जो आप बड़ी फैमिली है जिनकी, वो उनके लिए भाई बेस्ट कार हो सकती है अंडर 25 लाख। ठीक है, एंड में भी हेडरेस्ट एडजस्टेबल। हाँ, एंड में जो हेडरेस्ट है ना वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं आपको, ताकि आप कंफर्टेबल ड्राइव कर पाओ। और मैंने इसकी भाई पूरी वीडियो बना रखी है ऑल वॉक अराउंड की, फीचर वगैरह की, वो आपको मिल जाएगी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। और भाई इसमें बताऊं मैं क्या जाता है इसके अंदर, जो इसकी जो फिट एंड फिनिश देखो एक बार जरा, कितनी ही बढ़िया लगती है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे आपको ग्लॉस का ट्रीटमेंट दिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सारी पावर विंडो के कंट्रोल है, यहाँ पे इंजन बूस्टर शो बटन है, मतलब कि एक ड्राइवर के लिए काफ़ी एक इजी टू यूज़ कार है और कंफर्टेबल है, क्योंकि अपना डीसीटी गियर बॉक्स मिल गया है, क्योंकि डीसीटी गियर बॉक्स में भाई बहुत इजी होता है आपको चलाना। और यहाँ पे भाई आपको कैमरा मिल जाता है, कैमरा की क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखो भाई वह कैमरा की एक नंबर क्वालिटी है। आपको हुंडई से अच्छे कैमरे ना इस प्राइस रेंज में आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि 360 कैमरा हो गया, पीछे का भाई क्लियरिटी देखो कितना क्लियर दिख रहा है गाड़ी, वही तो भाई नंबर इसमें क्लियर दिखना ना, पिक्सल्स अच्छे हैं कैमरे के, हुंडई काम तो अच्छी करता है भाई इन चीजों में। और थोड़ा मैं अपने हिसाब से थोड़ा स्टीयरिंग को ऊपर करता हूँ एक बार, तो पूरा नीचे सबसे ऊपर है, ठीक है, हल्का सा मुझे हल्का स्टीयरिंग नीचे लग रहा है, लेकिन थोड़ा कोई पोजीशन वाली ठीक है भाई, सीट ज्यादा ऊपर है, सीट ज्यादा ऊपर हो रही है इस वजह से। तो इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है बड़ी सी, एक बार से ओपन करके दिखा दूं आपको, ये देखो एक बार भाई, तू मत जा, गर्मी आने लगी, ठीक है। तो सनरूफ भी मिल जाती है, जो भाई अपने इंडिया में बहुत लोगों को पसंद है सनरूफ करते रहे, तो भाई इसमें आपको सनरूफ ही मिल रही है, वो भी पैनोरामिक, जो काफी बहुत बढ़िया बात है भाई। सनरूफ वैसे मेरे हिसाब से तो वैसे सनरूफ वाली गाड़ी लेनी नहीं चाहिए, लेकिन भाई आज का ट्रेंड है भाई सनरूफ वाली गाड़ी है, तो गाड़ी अच्छी बात है, इसलिए कंपनियां दे भी रही हैं। तो मुझे तो मैं ना इसका चीज समझ आती है, ये क्या है, हर गाड़ी में दे रहे हैं, पता नहीं कैसी मैग्नेट थी, मेरा आज तक वो फोन चिपका नहीं इसमें, पता नहीं क्रेटा में भी दे दिया इन लोगों ने, इसमें भी दे दिया, मुझे तो यूजलेस लगा वो। लेकिन भाई जो इसके प्रीमियमनेस है ना, जो पूरे कनेक्टेड हो रही है, पहले ना एक्सयूवी 700 में चला था, अब इन लोगों ने इसमें भी कर दिया। तो एक बार इसका पैडल शिफ्टर यूज कर लेते हैं, डाले हमने स्पोर्ट्स मोड यहाँ से, ठीक है भाई, अपना हुंडई पॉप हो, बहुत बढ़िया हॉर्न तो हुंडई एक नंबर देती है, जो बात है। और बोनट भाई आपको व्यू देखो, बोनट का व्यू कितना बड़ी दिख रहा है, रेस देते पूछ आता भाई बहुत तगड़ा वाला। और इसकी जो सीट है ना वो कैप्चर कर रखती है, आपको पकड़े रखती है, ताकि आप सीट से हिलो ना, एकदम परफेक्ट ड्राइवर वाली पोजीशन आती है कि भाई हाँ आप कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको गाड़ी में, चाहे आप कैसे भी भगा लो कैसे भी कर लो इस गाड़ी को। अब तो हल्की सी खाली रोड है, अब मारते हैं एक बार। और स्टेबिलिटी भाई बढ़िया लग रही है इसमें, क्योंकि भाई एसयूवी है बड़ी है, उसके साथ स्टेबिलिटी अच्छी है। कितनी बढ़िया स्टेबिलिटी है इसकी, मेरा कट मारा भी लेफ्ट में आ गया। अब ड्राइव में कर देता हूँ भाई, तेल वेल नहीं है ना इसमें, थोड़ा लगता है कि भाई कब खत्म हो जाए इसमें तेल, क्योंकि भाई अभी ऐसी गाड़ी है कि अभी रजिस्टर भी नहीं है। तो इसका एक बार मैं जो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स देखूँ, जैसे कि मैं लेफ्ट राइट घुमा रहा हूँ, तो घूम रही है गाड़ी, ऐसे झूल भी नहीं रही, गाड़ी सही ही चल रही है, आपको पूरी कॉन्फिडेंस दे रही है। अगर कॉन्फिडेंस वाली गाड़ी चाहिए ना कि हाँ भाई मुझे कॉम्पैक्ट भी चाहिए, ये एवरेज भी सही दे देगी आपको, ऐसा नहीं कि 12-13 का एवरेज तो इजीली मिल जाएगा 1.5 में इतनी पावर के साथ, ठीक है भाई। तो अब एक बार इसका आपको म्यूजिक सिस्टम सुना देता हूँ, उसके बाद भाई वीडियो को एंड करते हैं। भाई कितना बढ़िया इसका साउंड सिस्टम है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है भाई, इतना तगड़ा साउंड सिस्टम फर्स्ट टाइम सुना है। और यहाँ से आप अपने सब बॉस के स्पीकर है भाई इसमें, इस वजह से भाई बॉस के स्पीकर भाई एक नंबर है। तो यार आप लोगों ने इसकी ऑडियो क्वालिटी सुन ली होगी, तो आपको बताना आपको कैसी लगी, अच्छी खासी ऑडियो क्वालिटी है इसमें। तो भाई यही थी आज की वीडियो, आप कुछ भी वीडियो में कुछ लगा हो कि हाँ मैंने नहीं बताया, तो उसको कवर करने के लिए आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उस चीज़ को बता दूंगा आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए टिल देन बाय।